इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बीते दिनों 5 पटवारी और 1 आरआई को निलंबित कर दिया था। निलंबित कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया। वही कलेक्टर आशीष सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि काम में लापरवाही बरतने पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। वर्तमान में हमने उनको फिर से बहाल कर दिया, क्या कारण? देखिए, हमारे पास में जो मौखिक शिकायतें आई थी, मौखिक शिकायतों के आधार पर 5 पटवारियों को और 1 आरआई को निलंबित किया गया था। उनके द्वारा आवेदन दिए गए हैं और उन आवेदनों के आधार पर सशर्त उनको सबको बहाल किया गया है। लेकिन बहाल करते हुए ये ध्यान रखा गया है कि ज़्यादातर जो सभी पटवारी थे शहरी क्षेत्र में थे, उन सभी को जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सब डिविजन्स हैं, सांगेर, देपालपुर और मऊ, वहाँ पर बदल किया गया है। और साथ ही चेतावनी भी जारी करी गई है। मैसेज हमारी तरफ से क्लियर है, अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और अगर शिकायत सही पाई जाती है तत्काल कार्रवाई करी जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार कोर्ट्स के इंस्पेक्शंस कराए थे, उनके जवाब जो आए हैं उसके आधार पर कुछ की डी करते हुए और उसके खिलाफ जो वेतन वृद्धि रोकने संबंधी आदेश है वो भी आज प्रसारित किए जाएंगे। सर, हमारे लगभग सभी जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, सभी के इंस्पेक्शन एडिशनल कलेक्टर्स के द्वारा किए गए थे। उनमें से 2 या 3 तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खिलाफ में गंभीर चीज़ें मिली थी। उनके खिलाफ हम लोग विभागीय जाँच और जो वेतन वृद्धि रोकने वाली कार्रवाई को पसंद करें।